उत्तर नहीं दिया है। मैंने कहा ना, मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मुझे नहीं मालूम कि देवा कहाँ है। यहाँ आकर हर आदमी शुरू में झूठ बोलता है, लेकिन धीरे धीरे सच उसकी जुबान पर आ जाता है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, तुम जिस तरह से मुझे परेशान कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम बिना कसूर के एक आम नागरिक को इस तरह परेशान नहीं कर सकते। मैं भी एक वकील हूँ, कानून मैं भी जानता हूँ। बेटा वांटेड है, पुलिस से भागा फिर रहा है, और तू मुझे यहाँ कानून सिखा रहा है? ये तुमने ठीक नहीं किया ऑफिसर। मेरे बेटे के लिए मेरे आंसू बहुत बड़ी अहमियत रखते। अगर उसे पता चल गया तो मेरे एक एक आंसू के जवाब में तुम्हारा एक एक आदमी गिरना शुरू हो जाएगा। प्लीज 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 इंस्पेक्टर, अब हो गई तसल्ली आपको? मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि इनको कुछ पता नहीं, लेकिन आप लोग तो। प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए, प्लीज बाबूजी माफ कर दीजिए। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ इंदर बेटा, मैंने जिंदगी में आज तक झूठ नहीं बोला। देवा कहाँ है मुझे तो क्या मेरे घर के किसी सदस्य को भी मालूम नहीं है। मैं जानता हूँ बाबूजी। नहीं मालूम है। देवा भैया क्या हुआ? आपके बारे में टीवी में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपके बारे में जो भी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। तुझे नहीं चाहिए इनाम? नहीं देवा भैया, हमें नहीं चाहिए इनाम। अब तक मेरी सूचना के मुताबिक पुलिस देवा की तलाश नहीं कर पाई है। शहर में पुलिस व्यवस्था। देखिए मैडम, मैंने इनकी गोलियां निकाल दी, इनकी हालत बहुत सीरियस होते जा रही है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है, वरना ये मर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको कितनी दफे समझा चुके हैं कि इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। तो ठीक है, आप जो ठीक समझे करें। अब मैं यहाँ और नहीं ठहर सकता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ बस। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूँ, इसलिए क्योंकि ये एक अच्छे इंसान है। और कुछ कहना है तुम्हें? क्या हाथ लगा हमारे छोटे भाई जैसा दोस्त लाल भी मारा गया, और देवा का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके। तुम वक्त से नहीं पहुंचे, और जब पहुंचे भी तो अपने निकम्मे ऑफिसर्स के साथ। तुम लोगों की वजह से देवा निकल कर भाग गया। अगर देवा को वही मौके पर मार दिया होता तो तुम्हारी भी तारीफ होती, कल अखबारों की सुर्खियों में छपता। सीएम के कातिल को स्पॉट पर ही मार दिया गया। सीएम पर गोलियां मैंने चलाई हैं, कहीं वो जिंदा रह गया और उसने सब बोल दिया। अगर मुझ पर जरा सी भी आंच आई तो समझ लेना इंदर सक्सेना। जिंदाल साहब, काम तो आपने भी अपना पूरा नहीं किया। सीएम को मारने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी, लेकिन आप चूक गए। चिल्लाओ मत इंदर सक्सेना, चिल्लाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम्हारी पोजीशन तुम्हारे दफ्तर में होगी। यहाँ जिंदा रिलैक्स जिंदा साहब प्लीज। बात पोजीशन की नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ। हेलो वो हेलो इंदर जिंदाल के सामने इस तरह।